जा नहीं सकता, वो हज किसे नू करवा सकता है पैसे दे करके, कंजनू करवाएगा उनके बाद शर्त ला जमे जिन्हू हज करवा पिए उन्हें पहले हज किया होना चाहिए, यानी अपना जवाब देते फर्ज हज दा वो पहले उन्हें अदा करना चाहिए बाद अंदर हज करेगा। औरत आई मेरे पैगंबर दे कोल सही हदीस है, हरदा कर दी है महबूबा सुनिया मेरा बाप बड़ा कमजोर हो गया है ते मैं आई हाँ ते मैं अपने बाप की तरफों हज करना चाहनी हाँ। मेरी आका फरमाते ने हुजी हुजी करना अपने बाप की तरफों हज करना। हदीस पाक आंदी है अबू दाऊद शरीफ अंदर सही हदीस है मेरे पैगंबर दी, मेरे पैगंबर ने की वेख्या एक बंदा अल्लाह दे घर हज करने वास्ते नियत करता पिए ते जबान तो कहिंदा अल्लाहुम्मा लब्बैक कल ब्रह्मताओ, अल्लाह मैं हज करने वास्ते आया वाओ, हज मैं अपने वल्लों नहीं करदा पिया अपने भाई शुभरमा दी तरफो करदा पिया वाओ। भैया का फरमाते ने मन शुभरमा, शुभरमा कौन है महबूबा मेरे भाई दा नाम शुभरमा ते मौम दी तरफो हज करना चाहना। भैया का फरमाते ने क्या तू पहले हज कीता कि नहीं कीता, महबूबा मैं ते पहले हज नहीं कीता। भैया का फरमाते ने पहले अपना हज कर बाद अंदर अपने भाई दा हज कर, पता लगा हज जिन्हू करवाने उन्हें पहले अपना हज होना चाहिए कीता होना चाहिए बाद अंदर किसे दा हज कर सकदे। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दा हज करने वास्ते एक शरत औरत वास्ते खदरा ते जीवाकार है, वो केड़ी शरत है मेरे पैगंबर ने फरमाया कोई भी औरत एडा लम्मा सफर ना करे कि उस सफर दे आन जान ते तीन दिन लग जान, तीन दिन इतनी दूर दी मुसाफत दा सफर कोई औरत अपने महरम तो बगैर ना करे। उंदे नाल उंदा महरम होना चाहिए खामद होवे या कोई उंदा महरम होवे, पता लगा बगैर महरम दी औरत ना उमरा कर सकती है, बगैर महरम दे ना औरत हज कर सकती है। हजरत ज़ीबाकार हुकूमत नूं ते दा दित्ता जा सकदा, रब नूं ते दा नहीं दित्ता जा सकदा। इथो जान लगिया मारम अपने कोलों ते तैयार किया जा सकता है, इन्हों दियां अखा ते पट्टी आ सकती है पर कायनात दा रब ते वेखदा पिया है। इस वास्ते कोई भी औरत अगर हज दियां शर्तां तो शर्तां पूरियां नहीं करेगी कायनात दा रब नू अजर अता नहीं करेगा। मेरे पैगंबर ने औरत नू मना कर दिता है कि तिना दिनों की मुसाफत तो वध सफर दे अंदर कोई औरत अपने खाम तो बगैर या अपने महरम तो बगैर जा नहीं सकती। अल्लाह अकबर अल्लाह जे तिना तिना दिना तो वध दा सफर औरत नहीं कर सकती आप दसो ना हज किवें कर सकती है। हज ते तीन दिन ते लग दे कोई नहीं, उमरे ते बंदा जावे ते तीन दिन ते लग दे कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह इस वास्ते खदरा ते ज़ीबाकार आ गए, हज भी करिए उमरा भी करिए लेकिन शराइत नु मुकम्मल रख करके अल्लाह रब्बुल इज्जत नु राजी करने वास्ते तेरे हज अंदर तेरे उम्र अंदर शर्तां पूरियां होनियां चाहिदियां ने ताकि कायनात दा रब तेरे हज नु कबूल करे, तेरे लगे हुए पैसे अल्लाह दी अदालत दे अंदर काबिले कबूल खावण। अल्लाह अकबर तवज्जो करना। आओ हुण कुछ ऐसियां चीजां दा जिक्र कराओ जिन्हां दे अंदर अगर बंदे दे अंदर ओह चीजां आ जाण कीता होया हज वी रहेगा जांदा, कीता होया उमरा भी रहेगा जांदा। अल्लाह अकबर सब तो पहली चीज है हजरत ते ज़ीबाकार हज करन तो पहला या उमरा करन तो पहला बंदे दी नियत अंदर अल्लाह दी रजा होनी चाहिदी है, नियत खालिस होनी चाहिदी है। और नियत दा ताल्लुक दिल नाले जबान नाल कोई नहीं, देखना जिवें बंदा पैरां ते चल सकदा पैरां नाल पकड़िया नहीं जा सकदा, जिवें बंदा हत्थां नाल पकड़ सकदे हत्थां ते चलिया नहीं जा सकदा, जिवें बंदा अखां चो देख सकदे अखां तो सुनिया नहीं जा सकदा, जिवें बंदा कन्ना तो सुन सकदे कन्ना तो देखिया नहीं जा सकदा, जिवें बंदा जबान चो बोल सकदे जबान तो नियत नहीं कीती जा सकदी। एवें दिल च बंदा नियत कर सकदे दिल चो बंदे कोल बोलिया नहीं जांदा, बोलना दिल दा कम नहीं बोलना ते जबान दा कम है, नियत दा ताल्लुक दिल नाल
ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਇਕਰਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਅਦਰੋ ਇਸਵਾਤ ਤੇ ਖਦਰਾ ਤੇ ਜ਼ੀਬਕਾਰ ਨਿਯਤ ਦਿਲ ਅੰਦਰ एक होनी चाहिए ये जरा मैं हज करदा पिया या उमरा करदा पिया वाओ ये दंदर मैं सिर्फ अल्लाह नू राजी करना चाहना इस वास्ते नहीं करदा के लोग कहणगे हाजी साहब बन गए ने ये ते बड़ा नेक बन गया ते बड़ा बली बन गया है जे खिलाफ एदा कोई अमल कहे ना तो रब कबूल नहीं करदा मैं गल कोलो नहीं करदा अल्लाह दे कुरान दी वादे नस है फरमाया वमा उमिरू इल्ला जो कुछ तुहानू हुक्म दिता जाए अल्लाह की इबादत करो वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह इबादत करो अल्लाह ताला दी किवें करनी है मुखलिसीन लहुद्दीन ने अपने दिल अंदर इखलास पैदा करके करनी है अल्लाह की रजा की खातर करनी है मुस्लिम की रवायत है मेरी आका फरमाते ने सब तो पहला रब जो हिसाबो किताब करेगा अल्लाह दे सामने शहीद आएगा कारी आएगा सखी आएगा लेकिन तिन्ना नु कायनात दा रब एक ही गल आखेगा कि तुसी सारा कुछ कीता ते दुनिया नु बखान वास्ते तुहाडी नियत दे अंदर रब नु राजी करना मकसूद नहीं सी और तिन्ना नु रब जहन्नम दे अंदर सुट देवेगा जिहाद बहुत बड़ा अमल है लेकिन नियत खालिस ना खून की वजह करके बंदा जहन्नम अंदर जाएगा सखी सखावत करना बहुत बड़ा अमल है लेकिन अगर नियत खालिस नहीं तो उस सखावत का कोई फायदा नहीं हज करना बहुत बड़ा अमल है लेकिन अगर नियत खालिस नहीं हज करन का कोई फायदा नहीं हज करने वास्ते नियत नु खालिस करना पवेगा अगर नियत खालिस नहीं होएगी अगर नियत अंदर दिखलावा मौजूद होएगा अगर लोगों नु बखान वास्ते हज कीता जाएगा पवे दस काले रब एक भी कबूल नहीं करेगा अल्लाह अकबर इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ लिखण तो पहला इस वास्ते सब तो पहली हदीस ले आंदी है इन्नमल आमाल बिन्नियात हर अमल दा दारो मदार नियत है इमाम दगदी ने मिशकात शरीफ नु शुरू करन तो पहला सब तो पहली हदीस ले आंदी है इन्न अमल आमाल बिन्नियत वो लोको अमलों का दारो मदार नियत आवे हज करन तो पहला अमल ते जड़ा करदा पिया नियत तेनू रब वास्ते खालिस करनी पवेगी अल्लाह अकबर दूसरी चीज है हज कीते पर हज का फायदा कोई नहीं उमरा कीते पर उमरे का फायदा कोई नहीं वो केड़ी चीज है जड़ा बंदे ने हज कीते उस हज अंदर रिज़्क़े हलाल कोई नहीं सूद की कमाई का कीता हज रब कबूल नहीं करेगा गाने वाली दुकान पाइए पैसे कमा करके कीता हज रब कबूल नहीं करेगा केबल दे बिल ले करके तो ना दिन हज बंदा करावे ते रब कबूल नहीं करेगा रिश्वत खावे ते उंदा हज करावे ते बंदा रब कबूल नहीं करेगा दुनिया ते कायनात दे रब नू नाराज कर दिया बंदा जनाब शराबा बेचदा रवे ते शराबा दी तजारत करदा रवे फिर वह पैसे जमा करके हज करन तुर जावे इंजदा हज कायनात दा रब कबूल नहीं करेगा मेरे पैगंबर दी हदीस है मेरी आका फरमांदे ने या अय्युहन नास ऐ लोगो गल सुनो ना कायनात दा रब आप भी पाक है ते कायनात दा रब कमाई भी पाक पसंद करदा है कायनात दा रब आप भी तैयब है आसमाना दा रब कमाई भी तैयब पसंद करदा है तैयब कमाई सूद दी नहीं हो सकती तैयब कमाई खदरा तेजी वकार रिश्वत दी नहीं हो सकती पाक कमाई गाणियां दी दुकान दी नहीं हो सकती पाक कमाई केबल दे बिल नहीं हो सकते पाक कमाई शराब दी तजारत नहीं हो सकती पाक कमाई के खे अल्लाह नु राजी कर दिया बगैर जनाबे किसे दा हक खान तो तू पाक कमाई की होवे इस गल दा इंतजाज तू करे ना करे मक्के दे काफर
ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਉਣੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਪਾਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆਵੇ। ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਪੜੀਏ, ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਨੇ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਾ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾਰਾ ਮਖੀਨੇ ਸੂਦ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸੂਦ ਦਿੱਤਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਰੇ, ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਯਾਰਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਜੁਮੇ ਲੱਭ ਲੈਨੇ, ਕਿ ਚਾਰ ਜੁਮਿਆਂ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੂਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਮਾਈ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਪਾਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਉਮਰਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਬੜਾ ਗੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਫੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਖਾਕ ਲੂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਾ ਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾ ਰੱਬੇ ਯਾ ਰੱਬੇ ਯਾ ਰੱਬੇ, ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਹਰਾਮ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਰਾਮ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ੀਵਕਾਰ, ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਖਾਦੀ ਖੋਵੇ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਖੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਹੱਜ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਜ ਕਰ, ਉਮਰਾ ਕਰ, ਪਰ ਪਾਕ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੁਮਰਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਮਾ ਉਮੀਰੂ ਇਲਾ ਲਿਯਅਬੁਦੁਲਲਾਹ ਮੁਖਲਿਸੀਨ ਲਹੁਦੀਨ। ਇਖਲਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਖਾਲਸ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖਾਲਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂ ਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੂਦ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ, ਗੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਪਾਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰ, ਪਾਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਮਰਾ ਕਰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾ ਆਖਰੁ ਦਾਵਾਨਾ